गाइस वेलकम बैक टू द चैनल तुलुनाडु वंडरर। आज हमारे पास है मेरा एडिटिंग बीस्ट आईपैड प्रो का अनबॉक्सिंग, जो कि M1 आईपैड है। M1 चिप प्रोसेसर आता है इसमें। तो चलिए इसका अनबॉक्सिंग करते हैं। मैं ऑफ कोर्स ये सब डिटेल्स नहीं दिखा सकता आपको, बट या 12.9 इंच फिफ्थ जनरेशन वाईफाई वाला है, 256 GB, जो मैंने गलती कर दी। 512 लेना चाहिए था मुझे, बट मैंने 256 लेके भी पछता रहा हूँ। सो दिस इज द बीस्ट गाइस। स्पेस ग्रे कलर। और एक सीक्रेट है इस आईपैड में, इसमें मेरी और मेरी फियोंसे का नाम एंग्रेव्ड है विथ आर बर्थ डेट्स। इफ यू कैन सी, कैन यू सी, बहुत ज़्यादा वो आ रहा है, देख सकते हो। अभी रुको दिखाता हूँ, ये देखो दिख रहा है। सो इस कस्टमाइज्ड एप्पल से बिल्ट करवाया ये मैंने। इसके लिए मेरे को apple.com से मंगाना पड़ा। अगर आपको भी चाहिए तो आप apple.com से मंगा सकते हो। सो दिस इज द बीस्ट गाइस। ओह सॉरी, फेस आईडी, सॉरी, मैं डाल देता हूँ पासवर्ड। सबसे पहले बॉक्स कंटेंट्स भी दिखा देता आपको। तो बॉक्स में आईपैड प्रो स्टार्टिंग, थोड़ा सा मैनुअल है और आईपैड एप्पल का स्टिकर। हाँ वही मैं बोला यार, एप्पल का स्टिकर आ गया। दो स्टिकर मिलते हैं वाइट कलर के गाइस, एप्पल के। वही बोला एप्पल का स्टिकर आ गया यार, मैं तो निकाला भी नहीं। और दो मैनुअल, बस इतना ही देते हैं। एक चीज़ अच्छा है, आईफोन की तरह इसमें चार्जर, आईफोन की तरह इन्होंने इसमें चार्जर गायब नहीं किया। चार्जर दिया है बट फास्ट चार्जर नहीं दिया है, तो इसके लिए फिर मैं अपने पुराने ब्रिक पे ही यूज़ कर रहा हूँ। क्योंकि टाइप सी आता है, जो कि एक बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। देखिए टाइप सी है ये, दिस इज़ नॉट लाइटनिंग, दिस इज़ टाइप सी, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। अब वैसे भी एप्पल को वापस टाइप सी लाना तो पड़ेगा। चलो इसको साइड रखते हैं। So guys, this is my iPad. So मैं इसको सिर्फ और सिर्फ YouTube में वीडियो अपलोड करने के लिए और लूमा फ्यूजन में वीडियो एडिट करने के लिए यूज़ करता हूँ। सॉरी, मेरा नेक्स्ट प्रोजेक्ट ट्रिबल हो जाएगा। चलो ये भी आपके लिए अच्छा है, ये भी देख लो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। Do like, share and subscribe, guys. तो मुझे कैमरा ठीक है इसका, guys. अगर आपको दिख रहा है तो कैमरा ठीक है, तो ना कुछ अमेजिंग नहीं है। एक्चुअली पोर्ट्रेट भी लेता है। अरे फ्रंट में कहाँ घूम गया है पोर्ट्रेट के लिए। मुझे एक चीज़ अच्छा लगा, जैसे कैमरा मूव करता है वीडियो कॉल हो तो इससे कैमरा मूव करता है। अरे यार कैमरा कहाँ से पलटा। अच्छा शायद पोर्ट्रेट से फ्रंट में ही है। हाँ पोर्ट्रेट से फ्रंट में ही है गाइस, बैक में नहीं है। पोर्ट देखो, अब नॉर्मल कर दिया तो बैक और वो दोनों आ गया। हाय, स्लोमो भी है, टाइम लैप्स भी है, फोटो पोर्ट्रेट स्क्वायर पैनोरामा भी है। ओके नाइस। मुझे इसका एडिटिंग काफ़ी फास्ट लगता है गाइस। अरे बाप रे, रेंडर हो जाता है जो जिसके लिए मेन पर्पस के लिए मैंने लिया है। और काफ़ी स्लिम है, देखो पेंसिल जितना स्लिम है, एकदम ही स्लिम, पेंसिल जैसा स्लिम। और ऑलमोस्ट आईफोन 12 का ही कैमरा है, बट इसमें लाइडर सेंसर आता है। सॉरी आईफोन 13 का, सॉरी 12 का ही, हाँ करेक्ट। बट लाइडर सेंसर एक एक्स्ट्रा दिया है इसमें। तो अभी जैसे लाइडर सेंसर मेरे को यूज़ करना है, तो मुझे मेजर में जाना है, ठीक है। तो समझो इसको मैंने रखा, ठीक है, बीच में। ये देखो अभी मैं इसका साइज मेजर कर सकता हूँ। ये देखो सॉरी, यहाँ से यहाँ कितना है, देखो 13 सेंटीमीटर। काफ़ी हद तक एक्यूरेट है, मैंने एक दो वीडियोस देखे, काफ़ी हद तक एक्यूरेट है।
अभी ये देखो वापस मैं यहाँ से करता हूँ 14 है अभी इसने लेवल पकड़ा है देखो 14 सेंटीमीटर बराबर रखूँगा तो ऐसे बराबर रखूँगा तो और बराबर तरीके से दिखाएगा ये। काफ़ी मुझे ये चीज़ अच्छी लगी, मतलब अभी इंटीरियर डिज़ाइनर आर्किटेक्ट्स को कभी कभी उनके पास अगर वो जो मापने वाली लेज़र वाली मशीन नहीं हुई तो उनको काफ़ी काम आएगा। फिर डिस्प्ले क्वालिटी भी अच्छा है, नॉट सैमसंग काइंड ऑफ लेवल बट या इट्स गुड। अभी अरे आओ सॉरी वाईफाई इधर आ नहीं रहा तो मैं तुमको कुछ प्ले करके नहीं दिखा सकता बट कुछ फ़ोटोज़ दिखा, मेरा ही कुछ कंटेंट दिखा देता आपको। देखो एक ZX10R का मैं वीडियो कर रहा हूँ, चलो उसका ही एक कुछ वीडियो देख लेते हैं हम। ये देखो काफ़ी अच्छा है डिस्प्ले क्वालिटी, इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं है। स्पीकर्स भी काफ़ी अच्छे हैं स्पीकर्स, सॉन्ग सुना हूँ तो आपको कॉपीराइट फ्री ये बड़ा तगड़ा प्रॉब्लम है गाइस, कॉपीराइट फ्री सॉन्ग सुनाना पड़ेगा। चलो ये सुना लेते हैं। सुन रहे हो फुल स्टीरियो साउंड आता है गाइस जो बहुत फ़ायदेमंद है। साउंड क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया एप्पल ने, कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया साउंड क्वालिटी में। अरे प्ले क्यों नहीं हो रहा हूँ, एकदम बढ़िया, काफ़ी अच्छा भी है बट द थिंग इज मैंने कम GB लेके बहुत बड़ी गलती कर दी। बट या चीज़ें बहुत सारे ऐसे ऐप्स भी आते हैं जैसे फोटो वोट हो गया अलग अलग स्टाइल के, देखो एक्सरे थर्मल कैमरा पता नहीं क्या क्या स्क्वीज कर दिया है मुझे अरे सब अच्छे अच्छे फीचर्स दिए इन्होंने, अरे आपने खोल दिया मैंने गलती से। तो इसको मैं फोटोशॉप के लिए भी थोड़ा बहुत यूज़ करता, अभी सीख रहा हूँ मैं फोटोशॉप। बैटरी 51% है, मेल वेल चेक करने के लिए और वीडियो अपलोड करने के लिए, बस इतने के लिए। काफ़ी बढ़िया लगा मुझे भाई एडिटिंग रेंडरिंग स्पीड गाइस, मतलब ऑलमोस्ट 1 मिनट का वीडियो 1 मिनट में रेंडर हो ही जाता है इसमें, क्योंकि थोड़ा ये लोग ने मोबाइल वाला आर्किटेक्चर लगाया तो लैपटॉप जितना फास्ट नहीं है ये, बट फिर भी काफ़ी बढ़िया है गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस रिव्यू वीडियो गाइस, ऑनेस्ट रिव्यू दे रहा हूँ मैं, कुछ ऐसा वैसा रिव्यू नहीं दे रहा हूँ। और एक और चीज़ कहूँगा, लूमा फ्यूजन को थोड़ा अच्छा करना पड़ेगा अपना सॉफ्टवेयर। और एक और चीज़, अगर आप बजट में हैं तो ये वाला कीबोर्ड खरीदिए, आईपैड विथ कवर आता है अगर आपके पास आईपैड प्रो है और बहुत बढ़िया काम करता है। मैं तो यही यूज़ करता हूँ सबटाइटल अपटाइटल डालने के लिए, मुझे तो नहीं लगता और कोई आईपैड के वो इतने महंगे महंगे कीबोर्ड लेने की ज़रूरत है। ये कवर पर फिट हो जाता है, अभी कवर मैं लाया नहीं हूँ बट ये कवर पे फिट हो जाता है। मैं एग्जैक्टली लिंक डाल दूंगा इसका डिस्क्रिप्शन में अगर आपको लेना हो तो, बट अगर आपके पास आईपैड है तो मैं यही प्रेफर करूंगा भाई, कोई झंझट ही नहीं है इसको चार्ज करने के लिए। इधर टाइप बी पोर्ट है, इट्स नॉट टाइप सी इट्स टाइप बी, पुराना वाला वही एक मेजर ग्राइम रहेगा इसमें, टाइप सी रहता तो बढ़िया रहता बट यार काम कर देता है ना यार, और क्या चाहिए आपको। वो एप्पल का 25-30 हज़ार का लेने से ये 2,500 का ही है, 10% में अगर आपका काम हो रहा है तो क्यों आपको ज़रूरत है। ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाता है, मस्त चला। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में या रिव्यू वीडियो में जिसमें भी मिले। बाय, टेक केयर, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब गाइस।